अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई साई रहमानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ दोस्तों एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो हमारी टेक न्यूज होने वाली है। आपको पता ही होगा वीक में हम एक वीडियो टेक न्यूज की जरूर शामिल करते हैं, तो शामिल करेंगे यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चटपटी से टेक न्यूज, बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आज हम टेक न्यूज शामिल करेंगे वो 2021 से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि 2020 का तो दोस्तों एंड चल रहा है। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ज्यादा बोर नहीं करता, काम की बात स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली टेक न्यूज निकल कर आती है दोस्तों वो Xiaomi की तरफ से है। Xiaomi 28 दिसंबर को चाइनीज मार्केट में Mi 11 लॉन्च करने जा रहा है। अभी हमारे पास दोस्तों Mi 10T आया है, लेकिन चाइनीज मार्केट में Mi 11 लॉन्च होने जा रहा है। और हो सकता है दोस्तों 28 दिसंबर गुजर चुका हो जब मैं ये वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आज 27 दिसंबर है और मुझे कल कहीं जाना है, तो माफ कीजिएगा अगर ये वीडियो लेट अपलोड हो रही हो। लेकिन 28 दिसंबर को ये चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो रहा है दोस्तों, और इस मोबाइल फोन की सबसे जो हाईलाइट फीचर है वो इस मोबाइल फोन का चिपसेट है। ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जहां पर हमें स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि अब तक का स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल चिपसेट है। तो देखते हैं दोस्तों इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस कैसी होती है। यही नहीं दोस्तों, इस मोबाइल फोन का सेकंड हाईलाइट फीचर इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये फोर साइडेड कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है। यानी अब तक हमने सैमसंग के जो स्मार्टफोन देखे थे वो लेफ्ट और राइट साइड से कर्व्ड होते थे, लेकिन ये स्मार्टफोन चारों साइडों से कर्व्ड होने वाला है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। इमेजिन करें दोस्तों मोबाइल फोन सामने से अगर आप इस मोबाइल फोन को देखेंगे तो जस्ट आपको एक स्क्रीन नजर आने वाली है। तो Xiaomi की ये काफी प्रीमियम डिवाइस आने वाली है। देखते हैं इस मोबाइल फोन की चाइनीज मार्केट में क्या प्राइस निकल कर आती है, और आपको इस मोबाइल फोन का कितना ज्यादा वेट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो टेक न्यूज निकल कर आती है दोस्तों वो वन प्लस की तरफ से है। अब मैं इस न्यूज को यहाँ पर शामिल नहीं करने वाला था, लेकिन वन प्लस अब पाकिस्तानी मार्केट में भी स्मार्टफोन लॉन्च करने लग चुका है, तो मैंने सोचा अब इस न्यूज को भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। वन प्लस 8T की कॉन्सेप्ट पिक्चर यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं दोस्तों, और ये 2021 में सबसे मुनफरिद मोबाइल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको कलर्स मोबाइल फोन में सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि ये मोबाइल फोन खुद से कलर चेंज करेगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन इससे पहले वन प्लस एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो भी ऐसे ही अपना कलर चेंज करता था, और अब दोबारा से ये ट्रेंड वन प्लस लाना चाहता है। यह दोस्तों इस मोबाइल फोन के रिलेटेड ये लीक्स निकल कर आ रही हैं कि अगर आप इस मोबाइल फोन को टच करेंगे तब ये मोबाइल फोन की बैक जो है वो कलर चेंज कर लेगी, कोई नोटिफिकेशन आता है तब ये मोबाइल फोन की बैक जो है वो कलर चेंज कर लेगी। यानी आपको कलर सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, आप कहीं भी जाते हैं अपने हिसाब से मोबाइल फोन का कलर खुद एडजस्ट कर लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों मोबाइल फोन कब आता है और इस मोबाइल फोन की प्राइस क्या निकल कर आती है। के बाद जो टेक न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों वो ओप्पो की तरफ से है। ओप्पो ने चाइनीज मार्केट में ओप्पो रेनो 5, 5 प्रो के बाद 5 प्रो प्लस को भी लॉन्च कर दिया है, और पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में जस्ट रेनो 4 मौजूद है। यानी इतना ज्यादा फास्ट चलते हैं ये चाइनीज मार्केट में। अभी हमारी मार्केट में रेनो 4 घूम रहा है और वहां पर रेनो 5 प्रो प्लस भी लॉन्च हो चुका है। खैर, इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट यूज किया गया, जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, और पाकिस्तानी मार्केट में हमें Mi 10T में मिल चुका है। इसके अलावा मोबाइल फोन के बैक पर 50 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा सेटअप है। यहाँ पर सोनी का IMX666 का सेंसर यूज किया गया, जो कि बहुत ही पावरफुल सेंसर है दोस्तों। इसके अलावा मोबाइल फोन में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, और यहाँ पर टेलीफोटो लेंस भी शामिल किया गया है। तो देखते हैं रेनो 5 प्रो प्लस तो दूर की बात है, रेनो 5 पाकिस्तानी मार्केट में कब तक आता है। अब टेक न्यूज की कोई एपिसोड और वहां पर इन्फिनिक्स टेक्नो ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जनाब यहाँ पर जो नेक्स्ट टेक न्यूज निकल कर आ रही है वो टेक्नो की तरफ से ही है। टेक्नो 2021 में पाकिस्तानी मार्केट में अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। इमेजिन करें दोस्तों, टेक्नो और इन्फिनिक्स पाकिस्तानी मार्केट में एक ऐसे ब्रांड है जो हमें काफी कम प्राइस पैकेट में स्मार्टफोन्स दे रहे हैं, और अभी तक यहाँ पर जो मैक्सिमम स्मार्टफोन इन दोनों ब्रांड की तरफ से आए हैं वो अंडर 30,000 के प्राइस टैग में है। एक या फिर दो स्मार्टफोन ही है जो अंडर 40,000 के प्राइस टैग में आई है। तो देखना ये है, ये जो टेक्नो ने कहा है कि 2021 में हम आपको 5G स्मार्टफोन देने वाले हैं, तो ये जो स्मार्टफोन है किस प्राइस पैकेट में आता है, क्योंकि अभी तक टेक्नो पाकिस्तानी मार्केट में कम प्राइस पैकेट वाले बजट में खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है दोस्तों, 5G स्मार्टफोन तो आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में तो 4G भी अच्छे से नहीं चलती है। हालांकि कंपनीज की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट आती है कि हम 5G के ऊपर वर्क कर रहे हैं, Zong, Jazz, जो भी कंपनीज है यहाँ पर, लेकिन अभी तक 5G पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आई है। तो अगर 5G नहीं है तो भाई हमने इन 5G स्मार्टफोन का क्या करना है, आप अच्छे प्राइस पैकेट में अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन दे दो, वही काफी है। लेकिन ये कन्फर्म है कि टेक्नो पाकिस्तानी मार्केट में 2021 में
5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद जो टेक न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों वो शाओमी की तरफ से है और 2021 के रिलेटेड ही है। 2021 में टेक्नो तो पाकिस्तानी मार्केट में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन शाओमी ने अनाउंसमेंट किया वो 2021 में 3 फोल्डिंग फोन लॉन्च करने जा रहा है। अभी तक आपने हुआवे का फोल्डिंग फोन देखा था, इसके अलावा आपने सैमसंग के फोल्डिंग देखे हैं, फोल्ड 2 या फिर फोल्ड 3 वगैरह जो भी थे, लेकिन अब शाओमी भी 2021 में 3 फोल्डिंग फोन लॉन्च करने जा रहा है। देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन्स कब आते हैं और इन स्मार्टफोन की प्राइस क्या होती है। इसके बाद जो टेक न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों वो शाओमी की तरफ से है, शाओमी मी 10T के 256GB वाले वेरियंट को भी लॉन्च करने जा रहा है। अजीब बात है यार, पहले हमें 8GB वाला वेरिएंट मिला, उसके बाद 6GB वाला वेरिएंट आया और अब 256GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है। लेकिन हकीकत पता क्या है, पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त मी 10T ही शॉर्ट है। तो अगर यार आप डिमांड नहीं पूरी कर सकते तो उन वेरिएंट्स को लॉन्च करने का क्या फायदा है। आप मी 10T का 8GB वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में नहीं पूरा कर पा रहे और यहाँ पर 256GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च किए जा रहे हैं। अजीब बात है, पहले डिमांड तो पूरी कर लो यार। इसके बाद जो टेक न्यूज लेकर आ रही है दोस्तों वो वीवो की तरफ से है। वीवो नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी के महीने में पाकिस्तानी मार्केट में Y12S को लॉन्च करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये अंडर 25,000 के प्राइस टैग में लॉन्च होगा और यहां पर आपको 5000mAh की काफी बड़ी बैटरी मिलेगी, 6.67 इंचेस की, यहाँ पर आईपीएस पैनल है 720p रेजोल्यूशन के साथ और यहाँ पर आपको इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। 3GB 32GB वाला यहाँ पर वेरिएंट शामिल होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन की प्राइस पैकेट में आता है, लेकिन अभी तक कंफर्म है ये अंडर 25,000 के प्राइस टैग में आएगा। 25,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में इससे बहुत ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।